बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम भाई। बेशुमार पिक्चर यहाँ पर मेरे पास भी आई पड़ी हैं जी। आप मैं आपको साथ में कुछ इनके क्लिप्स या स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाता हूँ। मैं तमाम दोस्तों के लिए, परदेसियों के लिए, बेसिकली मैं शॉर्ट सी बात करता हूँ जी, आपके लिए क्यों बात कर रहा हूँ मैं, परदेसियों के लिए सुन लें। ये पाकिस्तानी मशहूर टिकटॉकर हैं जी। आपने शायद अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी ये कोई नाजेबा किस्म की जो वीडियो लीक हुई है जी वो देख ली होंगी। इन इस वीडियोस के मतलब इनकी खुद की क्या राय है और अभी जो वीडियो वगैरह आई हैं वो उसमें क्या सूरत हाल है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इनकी, मैं आपको ना, ये मशहूर टिकटॉकर हैं जी, आपको टिकटॉक की इनकी आईडी दिखा रहा हूं मैं। माशाल्लाह मिलियंस के हिसाब से इनके फॉलोअर हैं जी, और क्या ही बात। और सोशल मीडिया की एक मशहूर, आप इनको फेमस एक्ट्रेस बोल सकते हैं टिकटॉक की। और अभी इनकी वीडियो आना सोशल मीडिया के ऊपर काफी हैरानकुन और चौंका देने वाला मामला था। यकीन माने आप सिर्फ सिंपल टिकटॉक के ऊपर एम लिखते हैं ना तो मिनाहल लीक वीडियो, मिनाहल वायरल वीडियो ऐसे लिखी आ रही है। और टिकटॉक से आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी इनकी, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। अच्छा, बहरहाल आपको कुछ मैं स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहा हूँ, ब्लर रहे हैं जो भी मामला थे। इस वीडियोस के मतलब इनकी जो लीक हुई है तकरीबन 9 है या 10 है या 8 है, ठीक है, इतनी हैं, 7 प्लस में ही है। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि आवाम, एक तो इनके मतलब मैं परदेशियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान में जो मेरी वीडियो, जो अगर कोई पाकिस्तान में देख रहा है तो आप तो लीजेंड है जी, आपने तो अभी तक सारा कट्ठा चिट्ठा निकाल लिया होगा, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, परदेशियों के लिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, सुन लें। नंबर एक तो इनकी जो वीडियो लीक हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा था, कमेंट पढ़ रहा था, लोगों के बेशुमार इसी चीज को लेकर कमेंट आ रहे थे कि ये फेमस होने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रखे हैं। यार, मैं इस बात से तकरीबन इत्तफाक नहीं करता क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही काफी फेमस थी। मुझे नहीं लगता इनको मजीद इस तरह का, यहां इस लेवल पर जाकर यहां तक गिरना इनको पसंद होता सिर्फ फेमस के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है मेरे नजदीक। आपकी क्या राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। अच्छा, बहरहाल इनकी अपनी एक वीडियो बाकायदा टिकटॉक के ऊपर आ चुकी है, उसमें इन्होंने इस चीज के ऊपर ये यानी कि वाजह किया है कि मेरी जो वीडियो लीक हुई है तकरीबन ये 10 बता रखी है खुद अपने मुंह से, शायद तो तकरीबन इतनी है। अच्छा, बहरहाल ये बोल रही है जी कि वो सभी मैंने देखी है, वो फेक है, एडिट की गई है, मेरी नहीं है। हालांकि वीडियोज मेरे नजर से भी कुछ गुजरी है और बिल्कुल सेम यही लग रही हैं, लेकिन अगर ये कह रही हैं तो हो सकता है ये एडिट की गई हो। बहरहाल वो बोल रही है जी कि एफआईआर में मैंने जो भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवानी थी करवा दी है, ये जिस किसी ने भी मेरी वीडियो लीक की है उनको जो भी मामला होंगे वो एफआईआर, जो भी उनको वो मामला कानूनी तौर पर होंगे। ये तो हो गया इनका बयान कि ये एडिट है, झूठ है, फेक है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तमाम दोस्तों के लिए, परदेशियों के लिए मैं आपके साथ वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूं कि भाई देखें, हम पाकिस्तान में वीडियो कॉल करते हैं घर के ऊपर अपनी फैमिलीज को व्हाट्सएप के जरिए या ईमो के जरिए, तो वीडियो कॉल में बंदा मिसाल के तौर पर बीवी के साथ 100 बंदे की बातें होती हैं, गपशप, मियां बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं। तो खुदारा एहतियात करें, आप अपना मोबाइल सेफ रखें, उसमें कोई किसी किस्म का वीपीएन या गैर जरूरी कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर मत डाउनलोड करें, और अपना मोबाइल अपने किसी खास दोस्त के हाथ में भी मत दें। मेरा ये आपको मशवरा है। बागी अल्लाह ताला की जात इज्जतें महफूज रखे सबकी। और ये पाकिस्तानी है, जो भी मामला है मैं यही बोलूंगा, अगर ये बोल रही है एडिट है तो एडिट मान लेना चाहिए यार, ये वीडियो एडिट।